हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी चाइना के वीडियो बीपीडी पेपर लीक घोटाले में स्टेप की ताबड़तोड़ कार्रवाई में 36 से 37 विकेट अभी तक गिर चुके हैं। धरपकड़ यानी विवेचना हमारी स्टेप टीम की डे नाइट लगातार जारी है। मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों, आपको पता है ईडी टीम को भी हमारे उत्तराखंड में जल्द दस्तक देना है। तो अभी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है कि ईडी टीम ने हमारे उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। सबसे पहले एसटीएफ टीम से हमारी ईडी टीम ने हाकम सिंह रावत, चंदन मनराल, राजेश चौहान जो आर्मेस टेक्नोसोल्यूशन कंपनी का मालिक था, उसकी संपत्ति का ब्यौरा मांग दिया है। साथियों, संपत्ति का ब्यौरा मांगने के बाद हमारी एसटीएफ टीम जब इनको संपत्ति का ब्यौरा देगी ईडी टीम को, ईडी टीम का दूसरा एक्शन यहाँ पे होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका एफआईआर दर्ज करी जाएगी। इसके बाद इनकी धन संपत्ति कुर्क की जाएगी, इनकी धन संपत्ति भारत सरकार के नाम होगी। मित्रों, इस गलत धंधे से यदि इन लोगों ने जितनी भी धन संपत्ति अर्जित की है वो अब कुर्क होने वाली है। आपको पता है इस वीडियो बीपीडी पेपर लीक कांड में जो गिरफ्तार हुए हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा तो है ही, उनने जो धन संपत्ति अर्जित की है उसको भी कुर्क का प्रावधान यहाँ पे रखा गया। तो ईडी ने भी दस्तक दे दी है, बस एक ही मांग अब बची है कि सीबीआई की एंट्री भी हमारे उत्तराखंड में जल्द हो जाए, ताकि यूके ट्रिपल एस सी चाइना के जो भी पुराने पेपर हुए हैं जो लगातार कैंसिल हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, उनका कच्चा चिट्ठा हमारे सब उत्तराखंड के युवाओं के सामने हो, और जो विधानसभा में जो एंट्रियां हुई हैं बैकडोर से उनका भी कच्चा चिट्ठा सब हमारे उत्तराखंड के जो भी जनमानस है उनके सामने होता है।